कौन आ गया? हेलो अनुसा जी। हाँ भाई चलो भाई सब लोग साथ में आजा महेश पीछा। अरे यार थोड़ा पीछे करना और ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर ले ऊपर ही जा रहे बैठ जाना। चलो आए स्टेज ऊपर चलना भाई अंदर लेना फ्लैश। अरे तेरा आवाज कैसे आ रहा है? ये ऐसे इसमें म्यूजिक आ रहा है। म्यूजिक म्यूजिक बंद हो जाता है। सीजर सीजर हिमांशु सीजर किधर है? इसका जो लिखा है मारू मॉल होना या कॉपीराइट इधर किधर जैसे 5 मिनट कर रहा है कॉपीराइट पूरा है। तलवार दे दो भाई मैं नीचे आके बैठ जाऊँ क्या? नहीं ये भी बैठा है नीचे। हाँ ये नीचे बैठा है। तुम यहाँ का? हाँ जाओ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे आप ऊपर जाओ मेरे आगे। अरे नीचे बैठो नीचे बैठो पीछे लाओ लाओ लाओ। हाँ देखो आ गया चलो कैची आ गया। चलो कैची आ गया चलो मिल रहे कैची इधर आएगा कैची चल अपने रुक चलना सेंटर में धक्का मारना रखी को यार इतना अंदर मत रखना। अरे क्या बात है सामने देखो रेमो भाई। हाँ सर काटो मत एक मिनट देखो यहाँ पे देखो इधर सामने सामने रेमो सर इधर देखो। हाँ धार लगा के आते तोड़ दो। नहीं नहीं रिबिन मजबूत है रिबिन मजबूत है खोल दो। नहीं नहीं खोलेंगे तो काटना नहीं बोलता है। लाइटर देना लाइटर से लाइटर दे चल। हाँ लाइटर है खुल भी नहीं रहा लाइटर बन ले विनोद लाइटर ओपनिंग है वहाँ खोलना हो वही ओपनिंग में चलो वन मोर। हाँ वन एक एक्शन सामने देखो एक्शन सामने सामने थैंक यू छोड़ दो छोड़ दो उधर से लेते हैं एक फोटो भाई रुक जा। अरे रुकना चल पीछे जा भी सोलो सोलो हमको लगा फुके के साथ लेने वाले तुम लोग सर सोलो सोलो रेमो भाई सोलो सोलो वन मोर वन मोर सर सेंटर में यहाँ पे सर यहाँ पे चेंज दोनों साथ में बोलते ये वही ना बात ये ठीक है एक बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन एक्चुअली हमने एक कॉन्टेस्ट किया था मौज पे सुपरस्टार हंट की और उसमें हमने बहुत सारे लोगों को कहा था कि डांस करके दिखाइए जो भी विनर होगा उसका उसको
उनसे मिलने का मौका मिलेगा ये होगा, बट मुझे नहीं पता था कि हिमांशु इतना आगे चला जाएगा कि वो पीछे हो यार। ना ही हमारा सुपरस्टार हंट जीता है लेकिन उसने स्टूडियो खोल लिया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी आया था नए नए यहाँ पे मुंबई में, तो मैंने भी एक ड्रीम लेके आया था कि मैं भी आऊँगा मुंबई में कुछ करूँगा या खुद का स्टूडियो करूँगा, तब मैंने किया था और बहुत मुश्किल लगी थी मुझे क्योंकि तब ये सब कुछ नहीं था जो भी है, बट थैंक गॉड कि इसका टैलेंट बोला और इसके टैलेंट की वजह से आज इसने बहुत जल्द ही एक स्टूडियो खोल लिया मुंबई में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ, स्टूडियो देख के बहुत बहुत खुश हुआ। हिमांशु जी यहाँ पर आए हैं, कितना बेस्ट मोमेंट है। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी रैमो सर मेरे आइडल हैं, मैं उनको देख के मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ, मतलब पहले कभी मिला नहीं था लेकिन उनकी कहानियाँ उनकी जो जर्नी रही है सर की, मतलब वो इतनी मोटिवेशनल है उनकी जर्नी सुन के, मतलब कि एक डांसर के लिए इतना मोटिवेट हो जाता सुन के। तो मतलब हमेशा से सर को मतलब DID से बहुत पहले से मतलब फॉलो करते आ रहा हूँ और हमेशा से मतलब एक सपना था मेरा कि कभी मैं मुंबई में डांस स्टूडियो अपना ओपन करूँगा, और फाइनली जब मैं मोस्ट सुपरस्टार हंट जीता और सर के सॉन्ग पर मैंने परफॉर्मेंस किया था तो मैं एज अ उसमें विनर रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और मैं वेट कर रहा था कि सर के साथ में कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। फिर सर के साथ में एक बार मौका ज़रूर मिला था कि मैंने सर के साथ में एक ऐड शूट किया था, लेकिन फिर उसके बाद जो आज मौका मिला है कि मतलब मेरा डांस स्टूडियो और डांस के भगवान रैमो सर मतलब मेरे मतलब यहाँ पर आ गए, ये इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। और सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू कब आपको ऐसा लगा कि इट्स वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म और कब आपको ऐसा लगा कि इट्स नॉट सो यूजफुल? आई मीन देखिए दोनों चीज़ें हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है कि यूज़फुल भी है और नॉट सो यूज़फुल भी है। यूज़फुल इसलिए है कि आजकल हमारी तरह नहीं कि हर जगह जाके हमको डांस करना पड़ता था, आप एक वीडियो शूट करो और वो सब लोगों के पास पहुँच जाते, हमारे टाइम में तो सब लोगों के पास हमको पहुँचना पड़ता है। सोशल मीडिया की वजह से ये है कि टैलेंटेड लोग जो हैं वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और अच्छा टैलेंट है जो कर सकते हैं, लेकिन नॉट सो यूज़फुल आप देख ही रहे हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बहुत ही कुछ भी होते हैं उसमें और अच्छे नहीं होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए नहीं अच्छे और वो भी चल रहे हैं और इसी वजह से है। बट मैं कहूँगा कि यूज़फुल ज़्यादा है क्योंकि टैलेंट सबको भी। पर जब आपने करियर की शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ थी नहीं, फिर भी आप कामयाबी मिली आपको, तो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से आपको क्या लगता है सेलिब्रिटी बनना आसान है मुश्किल है, एक स्ट्रेंथ है क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए आसान तो हो गया है क्योंकि फट से आप सब जगह पहुँच जाते हैं और अगर आप टैलेंटेड हैं और आपने अच्छा तो वीडियो बनाया जो वायरल हो जाता है वो ऑटोमेटिकली एक वीडियो से आपका आप तो सेलिब्रिटी बन जाते हो। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सोशल मीडिया में, इतने सारे ऐसे लोग हैं जो आज सेलिब्रिटी बन गए हैं जस्ट डूइंग दोज वीडियोस। सो सर सक्सेसफुल डायरेक्टर, सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, देहाती डिस्को फिल्म आ रही है गणेश सर की, एक्टिंग के बारे में क्या आपका है कि एक्टिंग का कोई आपका पैशन है या? पैशन तो नहीं है, आया था उसी लिए लेकिन मुंबई लेकिन अभी फिलहाल तो बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं है, कुछ भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया तो मे बी। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे क्योंकि हमने आपके ABCD देख ली, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे आप? जल्दी देखने को मिलेगा आपको, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है और जल्दी से अनाउंसमेंट होगी। मैं नाम और एक्टर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी तक अंडर रैप में, बट इसी साल डांस पर बेस्ड होगी? नहीं इतना है कि डांस पे नहीं होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक।